यार ये लोकेशन मुझे ठीक लग रही है और सर इसके आगे पीछे कोई बिल्डिंग भी नहीं है। सिग्नल भी कम आ रहे मेरे। जी मेरे भी। इसका मतलब ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। ओ भाई कौन हो तुम लोग और हमारे घर में क्या कर रहे हो? अरे आप लोग चुप करें, आप लोग देख नहीं रहे कि हम लोग खास डिस्कशन कर रहे हैं? अरे भाई तो हमारे घर के बाहर जाके करो ना ये डिस्कशन, ये आपका घर है। और नहीं तो क्या, जावेद साहब का है। और तुम दोनों वही हो ना जो गली में टावर लगाने की बात कर रहे हो। एक बात कान खोल के सुन लो, हम तुम्हें यहाँ टावर नहीं लगाने देंगे। है? अरे इस मोहल्ले में फैमिलीज रहती हैं, बच्चे खेलते हैं, चीले उड़ती हैं, तुम लोगों को किसी की जान की परवाह नहीं है जालिमो। अरे टावर से किसी की जान को खतरा होता है, ये किसने कह दिया आपको? अरे किसी ने क्या कह दिया, हम लोग को जाहिल है, अमरीका से डिग्री ली हुई है। हाँ महमूद साहब, इनसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, कान खोल के सुन लो, हम तुम लोगों को टावर नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे। हम एहतजाज करेंगे और हम पूरे मोहल्ले को अपने साथ में लाएंगे। हम तो आपके घर पे टावर लगाना चाहते हैं। आइए फिर अंदर चलकर बात करें। आइए 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 आइए। आज वो लो भाई, आप लोग ऐसे गर्मी में वहां बाहर खड़े हुए थे, आप लोग यहाँ बैठिए। नहीं, यहाँ बैठ। तुम यहाँ चीले लगी हुई है? अरे आपके छोटे से मुंह की तारीफ नहीं है, आपने इतनी शदीद गर्मी में इंतहाई ठंडी जुगत मारी है। आप उधर तशरीफ रखिए। यहाँ आइए, जुगत मारी बाद में कर लो। बाद में जुगत मारी बाद। बैठे। जी शुक्रिया। अगर आज रोजा नहीं होता ना तो हम आप लोगों को खाने के लिए जरूर पूछते। आज तो हमने पूछ ही लेना था। जी हमारा रोजा नहीं है। हाँ लेकिन हमारा तो है ना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह है। हाँ तो आप बताइए आप क्या कह रहे थे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोगों का एतराज क्यों है टावर लगाने पे? नहीं एतराज था, अब नहीं है। आप ये बताइए कि आप टावर हमारे ही घर लगा रहे हैं ना? जी एतराज खत्म, आप बताइए। भाई हमें बड़ी कंप्लेंट आ रही थी कि हमारे मोबाइल टावर्स के सिग्नल नहीं आ रहे यहाँ पर, तो हमने सोचा कि इस इलाके में टावर लगा देते हैं तो ये मसला ही खत्म हो जाएगा और हमारे लिए आसानी होगी। वेरी गुड। लोगों की आसानी के लिए तो हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं, इसलिए तो हम राजी हुए हैं, क्यों महमूद साहब? हाँ, हमारी जिंदगी का तो मकसद ही यही है। ये बताए पैसे कितने देंगे आप? अरे भाई पैसे तो इतने मिलेंगे कि आप लोग घर बैठ के खाएंगे। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम हमेशा से कर रहे हैं। क्यों नबील? ये कौन लोग हैं नबील? जानू ये वही लोग हैं जो गली में टावर लगा रहे हैं। तो तुमने मना कर दिया ना कि हमारी गली में टावर नहीं लगेगा? हाँ जानू अब ये हमारी गली में टावर नहीं लगा रहे, वेरी गुड, हमारे घर में लगा। व्हाट? हाँ जानू दिमाग खराब हो गया तुम्हारा नबील, मैं गली में टावर लगवाने के लिए मना कर रही हूँ, तुम घर में लगवा रहे हो। जानू तुम समझ नहीं रही हो, ये टावर लगाने के बहुत सारे पैसे देंगे। कुछ भी हो जाए नबील कान खोल कर सुन, इस घर में टावर नहीं लगेगा। टावर घर पे नहीं छत पे लगेगा। हाँ जानू छत पे लगेगा, और छत से तुम्हारा ताल्लुक ही क्या है भाई, ना तुम कपड़े धोती हो ना तुम सुखाने ऊपर जाती हो। शट अप नबील, तमीज से बात करो जानू, प्लीज तमीज से बात करो। अब मैं वो वाला नबील नहीं हूँ जो तुम्हारे पापा के पैसों पे पल रहा था, टावर लगने के बाद मैं अपना खर्चा खुद उठाऊंगा। व्हाट? यस, और अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो अपने बाप के घर चली जाओ। क्या नबील तुम्हें शर्म नहीं आती, इन पराए लोगों के सामने तुम्हें इंसल्ट कर रहे हो? पराए लोग? जानो तुम्हें ये पराए लोग लग रहे हैं? ये मेरे अपने हैं, मेरे फायदे की बात कर रहे हैं। पराया तो अब सिर्फ और सिर्फ वो मोटा है मेरे लिए। नबील शट अप। अच्छा तो आप बताइए कि टावर लगाने की आप लोग कितने पैसे देंगे? वो हम वर्किंग करके बताएंगे, पहले हमें आपकी छत का जायजा लेना है। और हमें ये बताएं कि छत पे मोहल्ले की लड़कियां कितने बजे आती हैं? तो क्या बकवास कर रहे हैं बॉस? वैसे ही मैं हूँ सर, जाइए इनको दिखा के आइए। लड़कियां? शांति यार, वो जो इनको दिखानी है वो छत पे। हाँ जी। अच्छा जी, आप जाइए जी, छत देखिए प्लीज, जाइए जाइए। ओए ओए जानू, मुझ पे रोब डालने की कोशिश मत करना जानू, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। नबील टावर यहाँ नहीं लगेगा। टावर तो यही लगेगा जानू, मैं बता दूँ, सोचो मैंने रात ही फैसला किया था कि मैं कारोबार करूंगा, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, और तुम मुझे सपोर्ट करने की बजाय गंद कर रही हो। नबील
ये घर तुम्हारा नहीं है जो तुम इसकी छत पे टावर लगा रहे हो। खबरदार खूबसूरत, ये बात इस कमरे से बाहर निकली। अब ये घर मेरा है और इसका खर्चा भी मैं ही उठाऊंगा। मैं लानत भेजता हूँ उस मोटे सांड के पैसों पर। नबील, हाँ हाँ बोल देना अपने पापा को, एक एक पैसा लौटाऊंगा उसका सूद समेत। नबील, अरे नबील मैं बाहर लॉन में आओ। महमूद साहब डील डन हो गई। अरे नबील, इन्हें हमारी छत बहुत पसंद आई है। हाँ, वहाँ से पड़ोस का किचन भी नजर आता है। आप लोग पैसे कब से देना शुरू करेंगे? हम ऑफिस जाके पेपर वर्क मुकम्मल कर लेते हैं, एक दो दिन में आपका कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाएगा। डील डन समझे। वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग कितने पैसे देंगे महीने के? देखिए वो एरिया के हिसाब से होता है, आपका एरिया अमीरों वाला है, मेरे हिसाब से 4-4.5 लाख। 4-4.5 बस? देखिए 5 से ज्यादा तो मुश्किल है। हाँ चले फिर ठीक है। क्या ठीक है यार, दूसरी कंपनी 8 लाख रुपया दे रही थी हमें। कौन सी कंपनी? मैं बाद में बता दूंगा आपको। भाई अगर कोई 8 लाख दे रहा है तो उनसे डील कर ले। अरे ऐसे कैसे डील कर ले भाई, जबान भी कोई चीज होती है, एक बार आपको जबान दे दी दे दी। अरे मसला ही कोई नहीं है, 3 लाख का बेशक लॉस हो जाए, आप 5 लाख में डन करें। थैंक यू नबीर। अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? जुमेरात को। आधी रात को? ना ना, हम कल ही फोन करके आएंगे और कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। वो जो आप कल साइन करवाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होगा? जी जी। अच्छा जी, अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ऐसे जाइए आराम से, एहतियात से। एहतियात से जाइए। कब तो फील को मामो, हाँ जी, क्या अफ्तारी का टाइम आ गया है? नहीं मामो, अफ्तार का नहीं, हमारा टाइम आ गया है। ओए हम क्या मरने वाले हैं? अरे कैसी बातें करती हो मोमो? मैं उसे, मुझे लग रहा है माँ जी को रोजा लग रहा है। अरे मोमो हम अमीर होने वाले हैं। ना पुत्र, मुझे नहीं इन्हें रोजा लग रहा है, देखना कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं। माँ जी महमूद साहब ठीक कह रहे हैं। हाँ माँ जी, हमारे घर में टावर लगने वाला है। लेकिन हमारे घर के तो सारे टावर ठीक है, मैं अभी अभी बाथरूम से आ रही हूँ। अरे मोमो शावर नहीं टावर, वो जो मोबाइल कंपनियां नहीं लगाती छतों पे जिससे सिग्नल आते हैं। अच्छा, माँ जी अब हमारे घर में फोन के सिग्नल भी आएंगे और 5 लाख रुपया भी। भाई नबील, इस खुशी में आज अफ्तार भरपूर होनी चाहिए। क्यों नहीं महमूद साहब, जब आप अफ्तारी मंगवा रहे हैं तो यकीनन भरपूर ही होगी। हेलो सर, एक बात बतानी थी आपको, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होना है वो घर के मालिक से होना है, तो आप दोनों में से मालिक कौन है? जी मैं हूँ। लेकिन मोहल्ले वाले तो कह रहे थे कोई जावेद साहब है। वो जावेद साहब मेरे मामू ही हैं, उनके बाद ये घर मेरा ही नाम होना है। बस फिर हमें जावेद साहब से मिलवा दीजिएगा, इफ्तार से पहले आके हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके, कोई मसला नहीं। महमूद साहब यार, वो टावर वाले जो है ना, वो जावेद साहब के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो तुमने क्या कहा? यार मैं तुमने कह दिया कि भाई जावेद साहब मेरे मामू हैं, मैं शाम को उनको बुला लेता हूँ। नबील तुमने जावेद साहब को मामू बना दिया? वो यार मैंने कौन सा पहली बार बनाया है। लेकिन अब करेंगे क्या, मामू कहाँ से लेकर आएंगे? पुत्र मुझे बता कहाँ मिलते हैं, मैं लेकर आती हूँ। ओ माँ जी, मामू खरीद के नहीं लाना, किसी को बनाना है। मोमो तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई नहीं है? नहीं जी, मैं किसी को भाई बोलती नहीं थी। यार मैं मुसाब, एक आइडिया है। क्या? आप मेरे मामू बन जाए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, इस तरह तो मैं तुम्हारी माँ का भाई बन जाऊंगा। मुझे इतना मनोज भाई नहीं चाहिए। वो यार मैं कौन सा सचमुच का मामू बनने को बोल रहा हूँ। तो क्या प्लास्टिक का मामू बनना है पुत्र? ओफ, आप आए यार, मैं आपको मामू बनाता हूँ। वो जो तुम मुझे बनाओगे वो मामू होगा। ओ यार यकीनन, वरना आप तो दादा भी बन सकते हैं। चले है? मैं चाचू बनूंगा। चले नहीं नहीं चले। ये चीज मेरे अजीज, अब लगे ना पक्के मामू। ये देखे कैसे पक्के मामू लग रहे हैं। आज मैं मूसा बैठ बैठ बैठ, जब वो लोग आने ही वाले होंगे।
वो लोग आ गए, आप एक काम करें, आप रेडी हो जाए, कपड़े बदल लो। वो कपड़े नहीं बदलने, कपड़े आप बदल चुके हैं, आपने जहन बदलना है, टोन बदलनी है। टोन टोन यार रियाज साहब, ठीक है जान जी, तुसी जाके दरवाजा खोलो, मैं आके बैठना। बेहतरीन यूसी यूसी जान जी, बैठो बैठो, मैं अभी लेके आया, उनको लेके आया। मोमो मोमो वो इधर आना, मेरे को बैठ आके। खबरदार कौन है तू, खैरत तूने मुझे छेड़ा ना। तुझे मोमो मोमो मैं महमूद हूँ तुम्हारा शौहर, मेरे पास आ। मुझे डर लग रहा है, मेरे पास बैठ जाओ बस। आज वो 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 बैठ वो बैठ वो बैठ वो इनसे मिलिए, ये मेरे मामू हैं जावेद साहब। जल्दी मिल लो पुत्र जी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। क्यों आप मरने वाले? इनके मतलब जावेद साहब बहुत मसरूफ आदमी है, इन्होंने नई फैक्ट्री के इफ्तिताह पे जाना है और पुरानी फैक्ट्री के मजदूरों में राशन तकसीम करना है। ओए पुत्र बस कर दे, तेरा रोजा है। रोजे रोजे में ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। आप एक काम करें, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट निकाले ना प्लीज, कॉन्ट्रैक्ट निकाले। आपके मामू की शक्ल उन साहब से बहुत मिलती है, वो जो महमूद साहब से। मिलेगी ना शक्ल, क्योंकि महमूद साहब मेरे बड़े मामू हैं। वो आपकी माँ के शौहर नहीं है? हाँ शौहर भी है। हैं? वो भाई ये कैसी फैमिली है? अब मेरा मतलब है कि वो मेरी वालदा के खाला साहब भाई है ना यार। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो कहाँ है? एक्चुअली इन दोनों भाइयों की ना बड़ी खानदानी दुश्मनी है, जब एक होता तो दूसरा नहीं होता, जब दूसरा होता तो पहला नहीं होता, तो एक्चुअली घर इनके नाम है ना, तो हमने उनको निकाल दिया। जल्दी करो यार, मुझे दाढ़ी चुभ रही है। उनके मतलब ये है कि जल्दी से साइन कराएं, उनके नहाने का वक्त हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लीजिए साइन करने हैं। तुम लोग मेरे पूछे बगैर मेरे घर में टावर लगवा रहे थे, घटिया इंसानों। ये तो अच्छा हुआ कि खूबसूरत ने मुझे फोन करके बुलवा दिया। ये घर आपका है? हाँ मेरा घर ही है। आप लोग लगाए टावर और हर महीने इसका किराया मुझे दीजिएगा, इसलिए कि मेरा नाम जावेद है और इन लोगों को तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा।